हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट डायड्रोजेस्ट। दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, मैं इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कॉम्पोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस डायड्रोजेस्ट टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का स्ट्रिप में मिलता है। कीमत है 600 रुपये और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो दोस्तों, योग इसका कंपनी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस डायड्रोजेस्ट टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, इसका हर एक टैबलेट में है डायड्रोजेस्टेरॉन, डायड्रोगेस्टेरॉन 10 mg, जो कि एक प्रोजेस्टिन हार्मोन है। तो दोस्तों, ये इसका कॉम्पोजिशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि कहाँ पे इस डायड्रोजेस्ट टैबलेट का यूज किया आता है। दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, इसका एक नंबर यूज किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी। दोस्तों, ये हम उन मरीजों को देते हैं या उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो या हो रही है, उसको हम ये टैबलेट देते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प हो सके। तो पहला यूज एंड सेकेंड है दोस्तों, उसका यूज किया जाता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। यदि कोई फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे निचला पेट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, सीवियर दर्द होता है, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। थोड़ा बहुत पेन होना तो नॉर्मल है, उसको हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया रखते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ऐंठन वाला पेन होता है, दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बेड से उठना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज एंड थर्ड नंबर तो उसका यूज़ किया जाता है एंडोमेट्रोसिस। तो हम जानते हैं बच्चेदानी का 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर में जो एब्नॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होता है, जो सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन भी आपको हो सकता है। तो एंडोमेट्रोसिस का इलाज में भी आप इसको ले सकते हो दोस्तों। एंड इसका और एक यूज़ किया होता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर हो, किसी भी दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो बस इसका कुछ इसका यूजेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका डोज एंड ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों, इसका डोज एंड ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि मरीज किस पर्पस पर मेडिसिन को ले, क्योंकि इसका तो बहुत सारा यूजेस है, तो उसी हिसाब से इसका डोज भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पेशेंट, अगर उसको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, तो उस दौरान जो इसका डोज चलता है पीरियड का डे 16 से लेकर डे 25 तक मेडिसिन को दिया जाता है। रोजाना एक टैबलेट सुबह और रात खाना खाने के बाद पीरियड का 16वें दिन से लेकर 25वें दिन तक। फिर डेट का मेंस्ट्रुएशन में पीरियड का वेट किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती तो अच्छी है, नहीं तो फिर डे 16 से डे 25 तक 3 से 6 साइकिल दिया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी का केस में। तो कुछ इसका डोजेज। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, इसका कुछ ज़्यादा कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ नॉसिया, वॉमिटिंग ऐसा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है अगर आपको इससे एसिडिटी वगैरह हो या एलर्जी हो तो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, वो बहुत ही रेयरली होता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन, सावधानी के बारे में। क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ये सेफ है? जी हाँ दोस्तों, ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों ही अवस्था में सेफ है। तो कुछ सावधानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि ये जो डायड्रोजेस्ट टैबलेट है, इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स कैसा है। दोस्तों, जहां जहां मैंने इसके यूज के बारे में बताया एंड जो डोज एंड ड्यूरेशन में बताया है, अगर उस जगह आप इसे ले रहे हो देन इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो से आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।